हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को। और आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स है और सेकंड एक्सरसाइज में आपको रैंक फाइंड आउट करना है विद एकेलन फॉर्म, यानी कि मैट्रिक्स को आपको चेंज करना है एकेलन फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, तो पहले आप एकेलन फॉर्म समझिए। एकेलन फॉर्म क्या होती है? देखिए, एकेलन फॉर्म टू टाइप की होती है। या तो आप रो अकेलन बना सकते हो, रो अकेलन फॉर्म, या फिर कॉलम। जब हमें रैंक फाइंड आउट करना होता है तो आपको बोला जाएगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द रैंक, रो रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि रो रैंक फाइंड आउट कीजिए। अगर आप रो अकेलन फॉर्म बना रहे हो तो आपको जो वो ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे, ओनली रो ऑपरेशन, ठीक है। और अगर कॉलम ऑपरेशन, कॉलम एकेलन फॉर्म बना रहे हो तो ऑपरेशन अप्लाई करोगे ओनली कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। अब बता दें कि एकेलन फॉर्म बनाते कैसे हैं। आपने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी दो टाइप की होती है। एक होती है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, एंड सेकंड इज द लोअर ट्रायंगुलर, ओके। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल, सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल से जो ऊपर के एलिमेंट हैं, मान लीजिए आपने लिया है 3x3 मैट्रिक्स एंड ए बी सी, दिस इज अ प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डी ई एफ, एक सेकेंड, डी ई एफ 0 0 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर पूछी जाती है तो आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है इससे ऊपर के एलिमेंट आर नॉन जीरो, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर की अगर हम बात करते हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के एलिमेंट सारे नॉन जीरो होते हैं, डी ई एफ, और प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अपर ट्रायंगुलर में जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है इससे नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है। तो ये अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का और एकेलन फॉर्म का क्या रिलेशन है, जो आप रो एकेलन फॉर्म चेंज करते हो, रो एकेलन फॉर्म के लिए हम जो मैट्रिक्स को इस तरह से ऑपरेशन लगाते हैं कि सबसे पहले लास्ट रो जो है वो हम जीरो बना सके, ओके। सब लास्ट रो जीरो बनानी होती है, इसके बाद सेकंड रो जो हम जीरो बनाएंगे अप्लाइंग ओनली रो ऑपरेशन। देन हम बात करी थी रो एकेलन मैट्रिक्स की। अगर रो एकेलन फॉर्म अगर आप बना रहे हो अप्लाइंग ओनली रो ऑपरेशन, तो हम बनाते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि रो एकेलन फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। और हम बोल सकते हैं कि कॉलम एकेलन जो मैट्रिक्स होती है ये जो होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में, मींस जो हम कॉलम एकेलन फॉर्म बनाते हैं तो हम लास्ट वाला कॉलम जो है वो जीरो बनाते हैं, समझ गए। अभी मैं क्वेश्चन में करवाती हूँ आपको। तो इस तरह से आप ट्रायंगुलर फॉर्म बोला जाता है। अगर आप एकेलन फॉर्म आपने कहीं पढ़ा भी होगा अदर यूनिवर्सिटीज़ में, तो एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि एकेलन फॉर्म और ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या रिलेशन है। तो एकेलन फॉर्म अगर बनाते हैं, रो एकेलन फॉर्म बनाएंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, और कॉलम एकेलन फॉर्म बनाओगे तो लोअर ट्रायंगुलर जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास, ऑर्डर इज द 3x4। रो जो रैंक फाइंड आउट करना है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को रो अकेलन या कॉलम अकेलन फॉर्म में आपको चेंज करना है तो वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है। देन यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। बात आई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम इसमें चेक करेंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ प्रिंसिपल डायगोनल हम देखते हैं, बट ये 3x4 की है तो हम इस जो ये एलिमेंट है इनको हम 0 0 बनाएंगे, एंड अगर पॉसिबल है तो पूरी रो को हम 0 बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अभी हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन, सबसे पहले हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R3 माइनस R1 प्लस R2, मीन्स हमने इस तरह से ऑपरेशन अप्लाई कर लिया कि एक नंबर हमारा 1 आ जाएगा,
दोनों को ऐड करके थर्ड में से माइनस कर दीजिए तो हमें यहाँ पे वन मिल जाएगा। अब बात आती है कि अकेलन फॉर्म कैसे बनाते हैं। अकेलन फॉर्म में लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए। ओके, लीडिंग एलिमेंट वन बनाने के लिए हमने सबसे पहले थर्ड रो में वन बना लिया, ऑपरेशन रो ऑपरेशन अप्लाई किया हमने, क्योंकि रो रैंक पूछ रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये थर्ड रो में आ रहा है इसको आप फर्स्ट पे शिफ्ट कर दीजिए, हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, रो थ्री और रो वन को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो रो वन फर्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगी और रो फर्स्ट इज रो थ्री बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन, अब अकेलन फॉर्म के नेक्स्ट रूल क्या है कि जो लीडिंग एलिमेंट आपने वन बनाया है इसके जितने भी नीचे के एलिमेंट हैं, इसे जो अब सेकंड थर्ड फोर्थ रो जितने भी रोज हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो रो है, सेकंड रो एंड थर्ड रो, इन एलिमेंट्स को आप जीरो बनाएंगे। सबसे पहले हम इन नंबर्स को जीरो बनाएंगे क्योंकि ये लास्ट रो तो बनानी ही बनानी है जीरो, बट जो लीडिंग एलिमेंट है उससे नीचे के सारे एलिमेंट हमारे जीरो होने चाहिए इन अकेलन फॉर्म, ठीक है। वो रो अकेलन की बात कर रहे हैं तो रो अकेलन फॉर्म की करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। देन रो अकेलन फॉर्म में आप इसको जीरो बनाइए, जीरो बनाएंगे हमारे पास, इस फर्स्ट को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से माइनस कर लेंगे, एंड सेकंड को फर्स्ट को थ्री से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में से माइनस कर लेंगे। हमने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमारे पास जीरो जीरो आ जाएगा और ये नंबर चेंज होके इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमने लीडिंग एलिमेंट वन बनाया, उसके बाद सेकेंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स को जीरो बनाया, इसके बाद जो लास्ट रो है आप उसको जीरो बनाइए, जितनी भी पॉसिबल है उतने आप जीरो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जीरो बना लिया ऑपरेशन अप्लाई करके, रो थ्री माइनस टू रो टू, रो थ्री सेकेंड को टू से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर लिया थर्ड में से, तो यहाँ पे हमारी जीरो आ जाएगी, ओके। इसके बाद आप अगर पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये हम बात कर रहे हैं रो अकेलन फॉर्म की, ओके। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जीरो नहीं बना सकते, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो वापस यहाँ पे टू आ जाएगा, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप जीरो बना दें और ये नॉन जीरो रह जाए, ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे देखिए करती हूँ रो थ्री और रो वन को अगर मैं ऐड करती हूँ तो वापस वही नंबर आ जाएगा, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर आ जाएगा, यहाँ पे जीरो एंड इसको आप ऐड करेंगे तो टू, तो ऐसा नहीं करना, ये नंबर जीरो है तो इसको जीरो बनाइए, आगे वाले बेशक नॉन जीरो रहे, समझ गए। तो नेक्स्ट कॉलम हमें नहीं देखने, हमें फर्स्ट के बाद सेकंड कॉलम का एलिमेंट जीरो बनाना है, अंडरस्टैंड। अगर आप कंप्लीट रो जीरो बना सकते हैं जितने भी ऑपरेशन अप्लाई करके, अगर पॉसिबल ही नहीं है, जैसे अभी हमारा यहाँ पे आगे पॉसिबल नहीं है कि हम इस रो को जीरो बनाएंगे, बाकी प्लेसेस को जीरो बनाने का कोई फायदा नहीं है, और अगर ऑपरेशन से जैसे कि हमारे पास ये दो जीरो आ रहे हैं इनका कोई मैटर नहीं है, फर्स्ट इज अ लीडिंग एलिमेंट वन आ गया, इससे अपॉन में जितने भी रोज होंगी उनको आप जीरो बनाएंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे लास्ट रो हमारी जीरो बन सकती है या नहीं बन सकती। अब यहाँ पे चेक करते हैं, हम यहाँ जीरो नहीं बना सकते, इसके बाद अगर रो अकेलन फॉर्म को आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो, अगर आ जाता है रो रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म, रो रिड्यूस में और अकेलन फॉर्म में, रो अकेलन फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपसे रो रिड्यूस अकेलन फॉर्म पूछी जाती है, दिस इज़ द यूनिक फॉर्म ऑफ अकेलन, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको जो है वो वन बनाना ही बनाना पड़ेगा। सेकंड देखें, अगर रो अकेलन फॉर्म है तो यहाँ तक छोड़ दीजिए, ओके। अगर हम यहाँ पे वन बना लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास ये नंबर वन आना चाहिए। अगर फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, वन आपके पास जो है जितनी भी नीचे की रोज है जीरो हो गई। सेकंड देखिए, यहाँ पे फर्स्ट रो से हमें कोई मतलब नहीं है, सेकंड के बाद यहाँ पे आपके पास रो रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म में वन होना चाहिए, तो हम इसको टू से डिवाइड करके, रो टू को मैं टू से डिवाइड कर देती हूँ और यहाँ पे वन आ जाता है, अंडरस्टैंड। इसके बाद यहाँ पे जो नंबर आ रहा है नॉन जीरो नंबर, हमने यहाँ पे जीरो बनाया, यहाँ पे जीरो बनाया, अब ये नंबर आपके पास वन होना चाहिए इन रो रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म, और अगर रो अकेलन फॉर्म बना रहे हैं तो हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है अकेलन और रो रिड्यूस्ड अकेलन एंड रो अकेलन फॉर्म में। तो यहाँ पे हम जो तीनों को यहाँ एंड दिस प्लेस यहाँ पे वन वन बना सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास लास्ट अकेलन फॉर्म बोल सकते हो, रो अकेलन फॉर्म बोल सकते हो, और इसको रो रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म भी बोल सकते हो। अगर इसको मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ, यानी ये सॉल्व नहीं करते हैं अगर हम, तो ये फॉर्म बनी रो अकेलन फॉर्म, ठीक है, और इसको आप बोल सकते हैं रो रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म। तो रो रिड्यूस में क्या करना होता है कि अगर यहाँ पे जीरो है तो सेकेंड कॉलम का ये नंबर
वन होना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम जीरो जीरो बना सकते हैं, अगर चारों नंबर जीरो आ जाते हैं तो इसका रैंक हो गया टू। अगर यहाँ पे आपके पास नॉन जीरो नंबर आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ये आ गए, तो रो रिड्यूस बनाएंगे तो हमें यहाँ पे वन बनाना ही बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है इन रो ऑपरेशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज द नॉन जीरो रोज इन रो अकेलन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए नॉन जीरो रोज कितनी है, यहाँ पे भी नॉन जीरो एलिमेंट है, दिस एंड दिस, तो देर आर थ्री नॉन जीरो रोज, इसका रैंक आ जाएगा थ्री। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हम रो अकेलन फॉर्म बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे अपर ट्रायंगुलर से, क्योंकि हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में ही रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे जीरो जीरो एंड जीरो, ऐसे ही कुछ बन रहा है यहाँ पे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्रिंसिपल डायगोनल से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ये थ्री क्रॉस फोर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ रही है, देन यहाँ से आप कंपेयर कीजिए। अगर यहाँ पे भी जीरो हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको भी जीरो बनाइए। रैंक जैसे ही फाइंड आउट करते हैं तो हम रोज़ को जीरो बनाते हैं। क्वेश्चन है, इसके पांच पार्ट हैं आपके पास, तो इन सारे सॉल्व करवाना पॉसिबल नहीं है, तो इनकी मैं PDF बना के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। और PDF का जो लिंक है वो शायद 1 वीक में एक्सपायर हो जाता है, तो आप जितना जल्दी हो सके उसको चेक कर लीजिएगा और अपनी जो हो क्वेश्चन पहले उसको कर लेना, ताकि वो एक्सपायर होने से पहले आप देख सकें। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन रो अकेलन फॉर्म एंड फाइंड रो रैंक। रो अकेलन फॉर्म को आपको चेंज करना है, दैट मीन्स हमें बनानी है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है आपके पास, 3x3 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जैसे आप बनाते हो तो हम सिर्फ ये चीज़ देखेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, अंडरस्टैंड। ये एलिमेंट भी जीरो हो सकता है, ये भी और ये भी, यानी कि दो रो भी जीरो हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऐसा ही बनाओगे कि सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बन जाए, यानी कि सिर्फ इन नंबर्स को ही आप जीरो बनाएंगे। तो हमें मेन देखना है कि रो अकेलन फॉर्म बनानी है। रो अकेलन फॉर्म के लिए जितने भी आप रो हैं वो जीरो बनाइए, ये एक रो बन रही है, दूसरी बन रही है, दूसरी बनाइए, ठीक है। तो इसमें हम नॉन जीरो रो चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास लीडिंग एलिमेंट वन है, लीडिंग नंबर वन है, तो हमें यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज़, यहाँ पे हमने ऑपरेशन अप्लाई किया और इसको भी हमने वन बना लिया, R3 में से R1 को माइनस करके 142, मीन्स हमारे पास दो रो सेम आ जाती हैं। फिर हम क्या करेंगे, R3 में से R2 माइनस कर लेंगे ताकि हमारी लास्ट वाली रो जीरो बन जाती है। ओके, लीडिंग एलिमेंट वन हो गया, लास्ट रो जीरो हो गई। इसके बाद कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट कॉलम में लीडिंग नंबर वन के अपॉन में, यानी नीचे जितने भी एलिमेंट हैं सबको जीरो बनाइए, मीन्स अब हमें इस नंबर को जीरो बनाना है। ओके, इसको जीरो बनाएंगे, हमने R2 में से R1 को माइनस कर लिया, यहाँ पे हमारा जीरो आ गया। इन नंबर से हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे जीरो फोकस करके चल रहा है कि हमें यहाँ जीरो नंबर चाहिए, ठीक है। इसके बाद रो अकेलन फॉर्म के लिए आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो, मीन्स इसके आगे हम यहाँ पे जीरो नहीं बना सकते, बिकॉज अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो ये वाली जीरो 1 में चेंज हो जाएगी। ओके, तो हम ऐसे बनाना है कि हमारी ये जीरो भी ऐसे एज इट इज रहे और आगे के नंबर जीरो हो जाए, तो अब वो पॉसिबल नहीं है, लास्ट तो हमारी जीरो बन चुकी है। इसके बाद यहाँ जो 2 है इसको हम 1 बना सकते हैं, तो R2 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 0, 1 एंड माइनस हाफ, ये मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास। देन दिस मैट्रिक्स इज द फॉर्म ऑफ रो रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म भी बोल सकते हैं एंड रो अकेलन फॉर्म, ठीक है। तो ये आ जाती है रो अकेलन फॉर्म। ओके, फर्स्ट नंबर 1 देन 0, सेकेंड अगर आप इसको 0 बना सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये हमारा 1 होना चाहिए, और इसके अपॉन में जितनी भी रोज होंगी उनको भी आपको 0 बनाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 बना दिया आपने और यहाँ पे एनी अदर नंबर अगर आ जाता है, ठीक है। तो ये नंबर हमारा 0 होना चाहिए अगर यहाँ पे 1 है। ओके, और इसके बाद जितने आप 0 रो बना सकते
वहाँ पे उसको बनानी है। तो ये होती है रो अकेलन फॉर्म। तो अगर यहाँ पे आप चेक करते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के सारे नंबर नॉन जीरो हैं और नीचे के नंबर सारे जीरो हैं। तो ये आपको दिख ही रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में हमने बनाई है। तो रो अकेलन फॉर्म अगर आप रिड्यूस कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म बनानी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे रैंक की बात करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज इन रो अकेलन फॉर्म मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो चेक कर लीजिए, ये हमारे पास जीरो आ रही है। देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू टू, देर आर टू नॉन जीरो रोज, देयरफॉर दिस इज रैंक इज टू। इसके भी बहुत सारे पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन के, तो मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे करवा रही हूँ उसके अलावा जितने क्वेश्चन हैं उसके मैं PDF बना के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाल दूंगी आप वहाँ से चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज रिड्यूस द मैट्रिक्स इन अकेलन फॉर्म एंड फाइंड कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब सिर्फ यहाँ पे आपको बोला गया है कि अकेलन फॉर्म में इसको रिड्यूस कीजिए और कॉलम रैंक आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, अगर कॉलम रैंक पूछ लिया जाता है तो आप ओनली कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इसलिए कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉलम अकेलन फॉर्म बनानी पड़ेगी आपको। ओके, अब यहाँ पे देखिए कॉलम अकेलन फॉर्म कैसे बनाते हैं। फर्स्ट नंबर वही जो रो अकेलन का फॉर्मूला है कि हमारे पास जो ये लीडिंग फर्स्ट नंबर से लीडिंग नंबर वन होना चाहिए। इसके बाद कॉलम जो हम रो अकेलन फॉर्म बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि लास्ट की रो को जीरो बनाते हैं एंड फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट के जितने भी नीचे के नंबर हैं उनको जीरो बनाते हैं। कॉलम में आपको क्या करना है, लास्ट कॉलम को आपको जीरो बनाना है, इसके बाद इधर आते जाना है। मतलब कि आपको क्या करना है, लोअर ट्रायंगुलर, ये थोड़ा सा चीज़ ध्यान रख लोगे तो समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म आप यहाँ पे चेंज कीजिए। लोअर ट्रायंगुलर क्या होती है कि जो हमारा डायगोनल होता है उससे ऊपर के नंबर सारे जीरो होते हैं, तो आपको जीरो बनाना है, दिस नंबर ठीक है, इस तरह से ये कॉलम जीरो बनाइए, बन सकता है तो सेकंड बनाइए, अगर नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को और इस नंबर को जीरो बनाएंगे। एंड फिर हम अभी बताती हूँ मैं आपको क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले हमने किया कि जो ये ऑपरेशन अप्लाई किया C4 - 4/5 C1, यानी फर्स्ट कॉलम को 4/5 से मल्टीप्लाई किया और C4 में से माइनस कर दिया। हमने क्या किया, सबसे पहले ये इस नंबर को जीरो बना लिया, ठीक है। नाउ C3 माइनस, अब इस नंबर को जीरो बनाइए। C3 कैसे माइनस जीरो बनेगा, जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैं 5 से डिवाइड करके और 5 से डिवाइड करेंगे और 14 माइनस कर देंगे, 14 मल्टीप्लाई करके, यानी C3 - 14/5 C1। अगर आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा ये नंबर जीरो आ जाएगा और नीचे के नंबर चेंज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो टू रहेगा और यहाँ पे वन है, तो हमें क्या करना है, C3 में से माइनस करना है, देन 2 - 14/5 सॉल्व कर लेना आप। C2 नेक्स्ट अप्लाई कर रहे हैं हम C2 ऑपरेशन पे, यानी कि हम इस नंबर को जीरो बना रहे हैं, समझ गए, वही लोअर ट्रायंगुलर वाला देख रहे हैं हम कि यहाँ पे हमारा जीरो बन जाए। इसको अगर आप जीरो बनाते हैं देन ये बन जाएगा आपके पास C2 - 3/5, यानी कि फर्स्ट कॉलम को 5 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करके C2 में से माइनस कर लो। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे भी 1 बना सकते हैं, कैसे, C1 कॉलम को लगा, ऑपरेशन हमेशा अप्लाई करना है कॉलम ऑपरेशन, कब, कॉलम रैंक के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना है कि कॉलम रैंक पूछा जाता है तो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। तो कॉलम वन को स्टार्टिंग में अगर आप 5 से डिवाइड कर लेते हो तो यहाँ पे हमारा 1 बन जाएगा और फिर यहाँ पे 0 बना सकते हैं, किसी भी तरह से करो, ठीक है, आना चाहिए हमारे यहाँ पे 0। एंड अब हम यहाँ पे 1 बना लेते हैं, इसका 1 बनाने के लिए क्या चाहिए, कॉलम फर्स्ट को 5 से डिवाइड करेंगे, अंडरस्टैंड, कॉलम फर्स्ट को हमने 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब जैसे कि हम रो अकेलन फॉर्म में बनाते थे 1, 2, 3, 0, 0, इससे जो नीचे के एलिमेंट है वो हमारे जीरो होने चाहिए। कॉलम फॉर्म में जो 1 हमारा लीडिंग नंबर है इससे हम रो के जितने भी नंबर होंगे फर्स्ट रो में वो सारे हमारे जीरो होने चाहिए, समझ गए। जैसे कि रो अकेलन फॉर्म में ये है रो अकेलन फॉर्म, इसमें क्या होता है, लीडिंग एलिमेंट से नीचे के कॉलम के सारे नंबर जीरो होते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वो मैंने यहाँ पर चेंज करवा दिया है।
हमने यहाँ तक कर लिया कि हमने सारे इन तीनों नंबर्स को जीरो बना लिया और यहाँ पे हम वन बना लेते हैं सी वन कॉलम फर्स्ट कॉलम को फाइव से डिवाइड करके, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को फाइव से डिवाइड किया, हमारे यहाँ पे वन आ गया। देन टू टर्म्स हमारी कंप्लीट हो गई है कि लीडिंग एलिमेंट वन आ गया और इससे आगे के जितने भी कॉलम्स के नंबर हैं वो हमारे, यानी कि फर्स्ट रो के जितने नंबर हैं वो सारे हमारे जीरो आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इस नंबर को जीरो बनाएंगे, वन को जीरो बनाएंगे हम। देन हम क्या करते हैं, यहाँ से सी फोर फोर्थ कॉलम पे अप्लाई करेंगे वन बाय टू सी थ्री, यानी इसको आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, सी फोर में से सी टू माइनस कर सकते हो, जो भी आपका मन करे वो ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। अभी जैसे हमने यहाँ पे इसको टू से डिवाइड किया और इसमें से माइनस कर लिया, बट आप सी फोर माइनस सी टू भी कर सकते हैं। देन अप्लाई किया हमने, ये नंबर जीरो आ गया हमारा। अब हमें इसको जीरो बनाना है, टू को जीरो बनाएंगे। देन ये जो नंबर है आपके पास सेकंड कॉलम को टू से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कर दीजिए सी थ्री में से, तो ये नंबर हमारा जीरो बन जाएगा, टू को हमने जीरो बना दिया, ओके। इसके बाद जो आपके पास है इस फर्स्ट कॉलम को, यानी कि आप अगर पॉसिबल है तो इस नंबर को भी जीरो बनाइए। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा कि हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करें कि ये नंबर हमारा जीरो आ जाए, ठीक है। तो सी फोर्थ ऑपरेशन पे, फोर्थ कॉलम पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, सी थ्री को सिक्स से डिवाइड करके और फोर्थ में ऐड कर देंगे, तो हमारा ये नंबर जीरो बन जाएगा। अब हमारा ये नंबर जीरो बन गया, मीन्स मेन मोटिव हमारा होना चाहिए कि लास्ट कॉलम जीरो बन जाए। इसके बाद अगर लास्ट कॉलम में थ्री जीरो बन रही हैं तो कोशिश करो कि इससे पहले वाले कॉलम में दो जीरो बन जाती हैं, फिर इससे पहले वाले कॉलम में जो है इससे कम जीरो हो सकती है, इसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, समझ गए। तो इस तरह से हमारे ट्रायंगुलर फॉर्म आनी चाहिए। नाउ यहाँ पे हमने जीरो बना लिया, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर अब इसको छोड़ सकते हैं, ये आपके पास कॉलम अकेलन फॉर्म बन जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कॉलम रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म, देन आपको यहाँ पे भी वन बनाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। कि लास्ट रो में चेक करिए, लास्ट रो में ये नंबर हमारा जीरो आ रहा है, इसके बाद जो नॉन जीरो नंबर होगा उसको आपको यहाँ पे वन बनाना होता है इन कॉलम रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम वन बनाएंगे, तो रो थर्ड को जो कॉलम थर्ड को आप जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे 5/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। अप्लाई करना है कॉलम ऑपरेशन, अगर कॉलम रैंक पूछा जाता है या फिर कॉलम अकेलन फॉर्म पूछी जाती है तो आप ओनली कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और अगर रो रैंक पूछ लिया जाता है तो ओनली रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास ये बन जाती है अकेलन फॉर्म, इसको आप अकेलन फॉर्म भी कह सकते हैं, कॉलम अकेलन भी कह सकते हैं। और यहाँ तक आने के बाद, यानी कि हमने यहाँ पे वन बनाया, इसके बाद ये दो जीरो, इसे लेफ्ट में जो भी नॉन जीरो नंबर होगा उसको आप वन बनाइए। इसके बाद थर्ड रो में चेक करिए, ये कॉलम हमारा जीरो बन गया है, अगर ये नंबर नॉन जीरो है तो इसको भी आपको वन बनाना है। दिस फॉर्म इज द कॉलम रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं रैंक, रैंक ऑफ ए इज नॉन जीरो कॉलम्स, नॉन जीरो कॉलम्स। अगर कॉलम रैंक पूछा जाता है तो हम कॉलम देखेंगे, यहाँ पे एक कॉलम जो है जीरो कॉलम है कंप्लीट, इसके बाद जो नॉन जीरो कॉलम है वो कितने यहाँ पे थ्री, देन रैंक ऑफ ए इज थ्री। आई होप आपको जो है कॉलम रिड्यूस्ड या कॉलम अकेलन फॉर्म का या रो रिड्यूस्ड और रो अकेलन फॉर्म का जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कई बच्चों की प्रॉब्लम्स थी इसमें, तो इसके भी बहुत सारे पार्ट हैं, शायद चार पार्ट दे रखे, तो आप इसको भी जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मैं कंप्लीट एक्सरसाइज की वहाँ पे जो है पीडीएफ बना के वहाँ अपलोड कर दूँगी, यानी डिस्क्रिप्शन आप चेक जरूर करिएगा, अदरवाइज़ लिंक जो हो एक्सपायर हो जाता है जल्दी। अब आप इसको ट्राई कीजिए, एंड हैप्पी दिवाली अगेन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।